हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम टू द WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम कैसे अपने रिकॉर्डेड ऑडियो में से नॉइस को रिडक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी ऑडियो को किसी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो फ्रेंड्स उसमें साथ में बैकग्राउंड में एक नॉइस भी रिकॉर्ड हो जाती है। वो नॉइस होती है फ्रेंड्स किसी पंखे की आवाज़ या किसी गाड़ियों की आवाज़ या किसी हैमरिंग की आवाज़। तो फ्रेंड्स हम इसे कैसे रिडक्ट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं। फ्रेंड्स एडोब ऑडिशन में हम कोई और ऑडियो को लाके भी एडिट कर सकते हैं और फ्रेंड्स हम यहाँ पे भी किसी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं एडोब ऑडिशन में ही एक ऑडियो रिकॉर्ड करूँगा और उसमें से नॉइस रिडक्ट करूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं आऊँगा फ्रेंड्स, राइट क्लिक करूँगा, न्यू करूँगा और ऑडियो फाइल क्रिएट करूँगा। फ्रेंड्स इसका मैं नाम दे देता हूँ अभी सपोज रिकॉर्ड वन। देन इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक रेड सर्कल दिख रहा है, इस पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स हमारा ऑडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड्स मैं। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। ये फ्रेंड्स हमारा ऑडियो हो चुका है रिकॉर्ड। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि हम इसमें से नॉइस कैसे रिडक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो वेव्स है फ्रेंड्स ये काफ़ी लो है, इसकी वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। फ्रेंड्स आप सुन के देख सकते हैं इसे। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। तो इसमें फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि इसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा लाउड नहीं है। तो फ्रेंड्स पहले हम इसे एम्पलीफाई कर लेते हैं, देन उसके बाद हम नॉइस रिडक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स एम्पलीफाई करने के लिए हम आएंगे इफेक्ट्स में, एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन में, देन यहाँ पे हमको मिलेगा फ्रेंड्स नॉर्मलाइज। तो हम नॉर्मलाइज जैसे करेंगे फ्रेंड्स इसे, आप देख सकते हैं कि यहाँ इसकी वॉल्यूम बढ़ चुकी है, ये काफ़ी लाउड हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसकी जो वेव्स है फ्रेंड्स ये इससे ऊपर नहीं जा रही है। फ्रेंड्स अगर वेव्स आपकी इससे ऊपर जाएंगी तो फ्रेंड्स आपका जो ऑडियो है वो फटने लगेगा। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा कि आपकी जो वॉइस है वो इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम इसे सुन के देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। तो आपने जैसा सुना होगा फ्रेंड्स कि इसमें जो वॉइस है वो तो अच्छे से रिकॉर्ड हुई है, बट उसके साथ में बैकग्राउंड में कुछ नॉइस भी रिकॉर्ड हुई है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि उसे कैसे रिडक्ट करेंगे। फ्रेंड्स हम चलेंगे इफेक्ट्स में, यहाँ नॉइस रिडक्शन का आपको एक फीचर दिख रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ आएंगे नॉइस रिडक्शन और साउंड रिमूवर, आपको यहाँ दो ऑप्शन दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि नॉइस रिडक्शन जो है वो ज़्यादा अच्छा फीचर है, वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा आपको। तो फ्रेंड्स आप नॉइस रिडक्शन पर क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ एक वार्निंग दिखेगी। फ्रेंड्स ये वार्निंग क्या बता रही है हमें, नॉइस प्रिंट अनडिफाइंड, प्लीज़ कैप्चर अ नॉइस प्रिंट टू कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स इसका मतलब कि हमें पहले एक नॉइस सैंपल कैप्चर करना पड़ेगा, उसके बाद हम कर पाएंगे। तो अभी हम इसे क्लोज करते हैं। तो फ्रेंड्स नॉइस प्रिंट मतलब नॉइस सैंपल, अभी हमें एक ऐसा नॉइस सिलेक्ट करना पड़ेगा जो हमारे सारे ऑडियो में है, जिसे हमें क्लियर करना है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा सैंपल, आप इसे सुन के देख सकते हैं, ये नॉइस था। फ्रेंड्स हमें ऐसा कि ऐसा सेम सैंपल सारे ऑडियो में से क्लियर करना है, ऐसी सेम नॉइस सारे ऑडियो में से क्लियर करनी है। तो फ्रेंड्स हमने अब इतना पार्ट सिलेक्ट कर लिया और हम फिर से इफेक्ट्स में जाएंगे, फिर से नॉइस रिडक्शन में जाएंगे। देन यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है कैप्चर नॉइस प्रिंट, इसे आप शिफ्ट प्लस पी से भी कर सकते हैं, बट अभी मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं आपको यहाँ से समझा रहा हूँ। फ्रेंड्स हम कैप्चर कर लेंगे इसे, देन ओके कर देंगे। फ्रेंड्स इसके बाद हम कंट्रोल ए से सारे ऑडियो को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम फिर से इफेक्ट में चलेंगे, नॉइस रिडक्शन में चलेंगे। देन यहाँ पे आपको फ्रेंड्स नॉइस रिडक्शन वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। देन फ्रेंड्स आपको वो वार्निंग नहीं दिख रही होंगी, आप इसे देख के थोड़ा घबराइए मत, टेंशन ना लीजिए कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स ये एकदम सिंपल सा फीचर है जिसे आप यूज़ करके अपनी ऑडियो को काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स हमने नॉइस प्रिंट तो कैप्चर कर लिया था, अब हम इसे अप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी वॉइस है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है। फ्रेंड्स आप चाहे तो इस फीचर को 3 से 4 बार भी यूज़ कर सकते हैं, बट फ्रेंड्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अच्छे रिजल्ट के लिए इसे सिर्फ 2 बार यूज़ करें। इससे ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो फ्रेंड्स आपकी आवाज़ जो है वो कहीं कहीं कटने लगेंगी, जिससे फ्रेंड्स क्या होगा कि आप जो अपने ऑडियो में बताना चाह रहे हैं वो सुनने वाले को काफ़ी क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो फ्रेंड्स फिर से हम इसे कंट्रोल ए करेंगे, फिर से हम इफेक्ट्स में चलेंगे, फिर हम नॉइस रिडक्शन में चलेंगे, देन फिर से हम नॉइस रिडक्शन करके इसे अप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स। तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आपकी ऑडियो काफ़ी हद तक कि आप मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। फ्रेंड्स इसके बाद हम इसे फिर से सुन लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स अब आप सुन पा रहे होंगे कि इसमें कुछ और भी
नॉइस है, कुछ आपके क्लिक करने की आवाज़ है, या आप कह सकते हैं कि आपके कीबोर्ड की आवाज़ है, ऐसा भी कुछ फ्रेंड्स रह गया है। तो फ्रेंड्स अब हम इसे देखेंगे कि हम इसे कैसे क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स हम इतना पार्ट सिलेक्ट करेंगे और अब हम इसे सुनेंगे। आपने सुना फ्रेंड्स इसमें कुछ क्लिक की आवाज़ है, तो फ्रेंड्स अब हम इसे साइलेंस कर देंगे। फ्रेंड्स हम आएंगे इफेक्ट्स में और आपको यहाँ एक फीचर दिख रहा है साइलेंस नाम का, तो फ्रेंड्स हम इसे साइलेंस कर देंगे और आप देख सकते हैं कि ये आपकी जो वेव थी थोड़ी सी वो क्लियर हो चुकी है। उसके बाद फ्रेंड्स हम फिर से सुनेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द WsCubeTech यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि आपको यहाँ फिर से कुछ नॉइस आ रही है, तो फ्रेंड्स अब हम इसे फिर से साइलेंस कर देंगे, इफेक्ट्स में आएंगे और फिर साइलेंस कर देंगे। तो फ्रेंड अब आपकी वॉइस हो चुकी है पूरी तरह से क्लियर। फिर से मैं आपको इसे सुना देता हूँ फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द WsCubeTech यूट्यूब चैनल। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि आपकी ऑडियो किस हद तक क्लियर हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही एडोब ऑडिशन में बहुत सारे फीचर्स हैं फ्रेंड्स, जिससे हम एक पूरा गाना एडिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम इन्हें आने वाले वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे फ्रेंड्स, इसके सारे फीचर्स, और देखेंगे कि हम अपनी ऑडियो क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपनी ऑडियो क्लियरिटी को बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे ही बने रहिए फ्रेंड्स हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल WsCubeTech। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।